Hello, good morning students of class 11th. VKM India is here and you are welcomed in orientation once again. Students, आज हम आपके कोर्स सिलेबस से एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी लेके आए हैं. एक्चुअली दिस इज नॉट ए स्टोरी, दिस इज इवेंट. यह एक घटना है और एक जीवन चरित है, आप यू कह सकते हैं. यह एक एक लाइफ जर्नी है, एक छोटी सी लाइफ जर्नी जो राइटर आपसे शेयर करता है, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. पोर्ट्रेट का मतलब होता है फोटोग्राफ, उसको आप जीवन चरित्र के रूप में देख सकते हैं. राइटर खुशवंत सिंह, एक बहुत माना जाना नाम, एक बहुत रिनॉन नेम इन इंग्लिश कंपोजिशन. खुशवंत सिंह जी ने अपनी दादी का चरित्र चित्रण किया है इस लेसन में और यह बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही मोटिवेटिंग भी है और बहुत इंटरटेनिंग है. स्टूडेंट्स, ये कहानी पढ़ने के बाद या कहानी पढ़ते हुए हम अपनी दादी को जरूर याद करते हैं. आवर ग्रैंड मदर्स आर वेरी मच लविंग टू अस, वेरी मच केयरिंग टू अस. मैं तो उन बच्चों को बहुत दुर्भाग्यशाली मानता हूं जिनको अपने जीवन में अपने दादी का प्यार नहीं मिला या अपनी दादी का साथ नहीं मिला. ओके, लेट्स स्टार्ट. खुशवंत सिंह अपनी दादी की बात करते हैं. चाइल्ड खुशवंत, बच्चा खुशवंत जब गांव में अपनी दादी के साथ रहते हैं तो अपनी चाइल्डिश थिंकिंग पहले आपसे बताते हैं. कहते हैं मेरी दादी दुनिया की सारी दादियों की तरह बूढ़ी, दादी बूढ़ी ही होती. मेरी दादी दुनिया की तरह सारी दादियों की तरह थोड़ी झुकी हुई, थोड़ी मोटी, थोड़ी सांवली, चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियां, क्रिस क्रॉस रिंकल्स ऑन द फेस. दादी को देख के कोई ये बिल्कुल नहीं कह सकता ये चाइल्ड खुशवंत है. बच्चा खुशवंत अपनी दादी के बारे में सोच रहे हैं कि अपनी दादी को देखकर मैं बचपन में कभी ये यकीन नहीं करता कि हमारी दादी भी कभी जवान रही होंगी, कभी खूबसूरत रही होंगी, कभी इनके बाल बच्चे रहे होंगे. चाइल्ड खुशवंत की ये का ये इनोसेंस है, का उनका ये बचपना है और बचपन की सोच है. वो कहते हैं कि घर के गेस्ट रूम में मेरे दादाजी की भी फोटो लगी थी. एक लवादा सफेद कलर का पहने हैं, ऊपर पगड़ी बांधे हुए हैं, लंबी लंबी सफेद दाढ़ी उनके सीने तक लटक रही है. उनको देख के कोई ये नहीं कह सकता कि उनकी कभी पत्नी थी, कभी वो जवान थे, कभी वो खूबसूरत थे, कभी उनके बेटे बेटी थे. उनको देख के तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि उनके नाती पोते ही हो सकते हैं. ये चाइल्ड खुशवंत. अब खुशवंत अपने ग्रामीण जीवन को, अपने गांव के उस जीवन को एक्सप्लेन करते हैं. कहते हैं कि उनके माता पिता शहर चले गए थे, अभी पूरी तरह सेटल नहीं हुए थे और खुशवंत को एक मौका मिला अपनी दादी के साथ गांव में रहने का. और दादी जो जिनका चेहरा रिंकल्ड था, जो थोड़ी झुकी हुई थी, थोड़ी मोटी थी, थोड़ी नाटी भी थी, सकल से शी वॉज नॉट प्रेटी. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इस चैप्टर का. खुशवंत सिंह कहते हैं शकल से, फिजिक से शी वॉज नॉट प्रेटी बट शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑन द अर्थ. वो बताते हैं कि देखने में हमारी दादी बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन उनके जैसा सुंदर इस धरती पर कोई नहीं था. बाय नेचर, बाय बिहेवियर, बाय लव, बाय अफेक्शन, बाय अट्रैक्शन अपनी दादी को बहुत पसंद करते थे. देयर वॉज एन इंटीमेट फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड सन एंड ग्रैंड मदर. कहते हैं कि दादी हमें सुबह में जगाती थी, ऐसे नहीं, लोरी गा के सुलाती थी और भजन गा के जगाती थी. नहलाने में भी उनका एक भजन था, खाना खिलाने में भी एक भजन था और मेरे हर काम के लिए उनके पास एक स्पेशल गीत था जो गा गा के वो काम करती. मुझे स्कूल के लिए तैयार करती, मेरे लिए नाश्ता बनाती और अमूमन उनका जो नाश्ता होता वो स्टाल चपाती और उस पर मक्खन लगा के थोड़ा सुगर,
थोड़ा चीनी उस पर छिड़क देती और उसको फोल्ड कर देती और ये उनका नाश्ता था। और दादी इस तरह से हमको नाश्ता बनाती, हमको लेकर स्कूल जाती, उंगली पकड़ के हमें स्कूल लेके जाती। और स्कूल के पास एक मंदिर था, हम स्कूल में अपना अपना अल्फाबेट सीखते, अक्षर सीखते और दादी पास वाले मंदिर में जाकर अपना स्क्रिप्चर्स पढ़ती, अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ती। और दोनों का स्कूल एक साथ खत्म होता, दोनों वहां से साथ निकलते और मंदिर की सीढ़ियों से उतरते समय ढेर सारे कुत्ते घेर लेते और हमारे घर तक हमारा पीछा करते, क्योंकि दादी उन्हें रोटी खिलाती हुई जाती, बची हुई सारी रोटियां वो कुत्तों को देती रहती। ये उनके ग्रामीण जीवन का सबसे पसंदीदा वर्क था, सबसे पसंदीदा कार्य था। और इस तरह से खुशवंत सिंह अपने दादी के रूटीन को बताते हैं। दादी पूजा पाठ करने में बहुत व्यस्त रहती, उनके हाथों में हमेशा एक माला रहती और माला के दानों पर उनकी अंगुलियां चलती रहती। सारा काम करते हुए वो थोड़ी झुकी हुई थी और झुकते हुए पूरे घर को वो साफ कर डालती, पूरे घर की सफाई कर डालती। और दादी का यह स्वरूप एक बड़ा ही पवित्र श्वेत स्वरूप था जो बहुत ही अट्रैक्टिव था। दादी के बारे में खुशवंत सिंह अपने ग्रामीण जीवन के बारे में ये बताते हैं। समय बदला, खुशवंत सिंह बताते हैं कि मेरे पेरेंट्स शहर में सेट हो गए और शहर में सेटल भी हो गए, हमें शहर बुला लिया गया, दादी के साथ मैं शहर में चला गया। और शहर में गया तो वहां भी हम लोग एक ही कमरे में रहते थे, अभी भी दादी हमको जगाती थी, अभी भी स्कूल के लिए तैयार करती थी, लेकिन अब स्कूल लेके नहीं जाती क्योंकि मेरा एडमिशन, आई वॉज गिवेन एन एडमिशन टू एन इंग्लिश स्कूल एंड इन अ मोटर बाइक आई यूज टू गो टू स्कूल, अब मैं बस से स्कूल जाने लगा। दादी शहर में आने के बाद उनका रूटीन बदला, पूजा पाठ वैसे ही रहा और अब वो चरखा काटने लगी। और अपने विल से जब वो खाली होती तो हमेशा अपने अंगुलियों में माला लिए भगवान का जप करती रहती। और शहर में स्पैरोज को फीड करना, स्पैरोज को दाना खिलाना उनका मोस्ट फेवरेट वर्क बन गया। लेखक बताता है कि जब मैं स्कूल से आता तो दादी स्कूल के पढ़ाई के बारे में हमसे पूछती, क्या पढ़ाया गया। मैं उनको बताता आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाया गया, साइंस के फैक्टर्स बताता, इंग्लिश का बताता, म्यूजिक बताता। एक दिन हमने अपनी दादी को बता दिया कि स्कूल में अब म्यूजिक की पढ़ाई होगी। दादी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा कि म्यूजिक, म्यूजिक हम सम्भ्रांत लोगों के लिए नहीं है, हम बड़े लोगों के लिए नहीं है, ये तो भिखारियों की चीज है, ये तो गाना गा के मांगने वालों की चीज है, ये सीखने की क्या जरूरत है। दादी के हिसाब से ये आर्किमिडीज के सिद्धांत, ये न्यूटन्स लॉ और ये विज्ञान और इंग्लिश की चीजें एक्चुअल स्टडीज नहीं थी। दादी के अनुसार अगर कोई चीज स्टडीज थी वो हमारे धार्मिक ग्रंथ, हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे धार्मिक कथाएं, ये उनके हिसाब से पढ़ाई थी। दादी से दोस्ती थोड़ी कमजोर पड़ने लगी। खुशवंत कहते हैं कि आई हैड नो टाइम मच मोर टू स्पेंड विद माई ग्रैंड मदर, स्टिल आई थॉट माई ग्रैंड मदर वॉज लविंग मी टू मच, वेरी मच, सो मच। दादी अभी भी हमारा बहुत केयर करती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा, अब मेरे पास वक्त कम था, पढ़ाई का बोझ हो गया, कॉलेज का काम हो गया और मैं दादी से थोड़ा अलग रहने लगा। दादी भी हमसे अलग रह के अब वो अपने काम में व्यस्त होने लगी, अपने पूजा पाठ में, अपने चरखे की कताई में और साथ ही साथ स्पैरोज को फीड करने में। ये उनके समय का, ये उनके पूरे दिन का सबसे प्यारा समय होता जब वो स्पैरोज को फीड करती, ढेर सारे स्पैरोज आ जाते, उनके कंधे पे बैठ जाते, उनके सर पे बैठ जाते, लेकिन किसी को वो डांटती नहीं, सबको पुचकारती, सबको खाना खिलाती, स्पैरोज उनके फ्रेंड बन गए। खुशवंत सिंह गोज टू रिमेंबर एन इवेंट व्हेन ही हैज टू गो अब्रॉड फॉर हिज हायर एजुकेशन फॉर 5 years, 5 साल के लिए, फॉर 5 years नाउ ही इज लीविंग द कंट्री। खुशवंत सिंह को बहुत बुरा लग रहा था कि दादी को बहुत खराब लगेगा कि उनका चहेता, उनका प्यारा ग्रैंडसन 5 साल के लिए उनसे दूर हो रहा है। लेखक कहते हैं उनकी दादी इतनी बूढ़ी थी कि अब इससे ज्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी। अब शी विल रिज्यूम हर लाइफ, शी विल लीव हर लाइफ मोर देन 5 years
फॉर मोर देन 5 इयर्स इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड. ऐसा एक्सपेक्ट मैं नहीं कर सकता था. मैं जब 5 साल के लिए बाहर जाने लगा, दादी मुझे छोड़ने के लिए स्टेशन आई और जब दादी से मैं गले लगा तो मुझे यह एहसास हुआ कि इट वॉज माई लास्ट टच टू माई ग्रैंड मदर. और मैं थोड़ा इमोशनल हो गया. मैं उम्मीद कर रहा था कि दादी भी रोने लगेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. दादी नॉर्मली हमको विदा कर दी और मैं फॉरेन चला गया. 5 साल बाद पढ़ के आया, जबकि मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि वापस आने के बाद दादी मिलेंगी. 5 साल बाद जब मैं वापस आया तो दादी फिर वही अपने कंठी माला के साथ स्टेशन पर हमारा स्वागत करने के लिए पहुंची. दादी से हम गले मिले. मुझे लगा कि दादी आज बहुत खुश होंगी, दादी आज मुझे बहुत प्यार करेंगी. लेकिन दादी की दिनचर्या में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ. मैं घर गया और दादी अपने काम में वैसे ही लगी रही, अपने स्पैरोज को फीड करने में, चरखा कातने में, अपने माला पर भजन करने में. शाम के समय एक छोटा सा परिवर्तन होता है. द राइटर गोज टू एक्सप्लेन द स्पेशल इवेंट, अ पर्टिकुलर इवेंट टेकन प्लेस इन द इवनिंग. शाम को दादी मोहल्ले के सारी महिलाओं को बुलाती हैं, एक पुराना ढोल लेती हैं और ढोल बजा बजा के से स्टार्ट सिंगिंग. और उनके गाने का जो थीम होता है वो वॉरियर, जो वॉर से, अपने युद्ध भूमि से बरसों बाद लौटा है. और इस थीम के साथ वो एक गाना गाना शुरू करती हैं और उस ढोल को बजाना शुरू करती हैं. ओवर स्ट्रेस हो जाती है, घर वाले उन्हें मना करते हैं कि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, अब बस करिए. दादी का संगीत सभा समाप्त होती है. सुबह के समय अगले दिन सुबह दादी की तबीयत खराब हो जाती है. खुशवंत टेल्स दैट ही गोज टू फॉल इल, उन्हें फीवर हो जाता है, माइल्ड फीवर है. डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर सेज सामान्य सा वायरल फीवर है, ठीक हो जाएगा, दवा देके जाता है. बट ग्रैंड मदर कॉल्स एवरीवन ऑफ द फैमिली बिकॉज शी इज क्वाइट श्योर दैट नाउ हर एंड इज वेरी क्लोज टू हर. वो कहती है कि उनका अंत बहुत करीब आ गया है, अब वो नहीं बचेंगे. परिवार के सभी जनों को बुलाती हैं, किसी से बात करने में अपना समय वेस्ट नहीं करती. अभी भी उनके अंगुलियों में माला घूम रहा है और उस दानों पर, माला के मनकों पर उनके मंत्र उच्चारण चल रहे हैं. और देखते ही देखते दादी की अंगुलियां बेजान हो गई और उनके बेजान अंगुलियों से वो माला नीचे गिर गई. इट मीन्स माई लविंग ग्रैंड मदर वॉज नो मोर, शी डाइज. थोड़ी देर तक सब लोग एक दूसरे को देखकर रोते रहे, हम शोक संतप्त रहे. अपना शोक व्यक्त करने के बाद अंततः हमें काम भी करना था, दादी की अंत्येष्टि भी करनी थी. दादी जिस कमरे में रहती थी उस कमरे का दरवाजा बंद करके सब लोग व्यवस्था में लग गए. और जब हम लोग दोपहर में व्यवस्था करके लौटे तो वहां का सीन देखकर सब लोग स्तब्ध रह गए. दादी के कमरे के चारों तरफ, उनके बरामदे में चारों तरफ हजारों की तादाद में स्पैरो जमीन पर बैठे हुए थे. आज वो शोर नहीं कर रहे थे, आज वो इधर उछल कूद नहीं रहे थे, आज इधर उधर उड़ भी नहीं रहे थे. मेरी माँ को स्पैरोज को देखकर बड़ी दया आई, बड़ा खराब लगा. दादी जैसे उनको फीड करती थी, दादी जैसे उन्हें अन्न के दाने देती थी. उन्होंने नौकर से रोटी मंगाई, रोटी के क्रम्स किए, टुकड़े किए जैसे दादी करती थी, और स्पैरोज के सामने उन्होंने रोटी के दाने डाल दिए. बट सरप्राइजिंगली खुशवंत बताते हैं कि उसमें से एक स्पैरो ने भी रोटी के दानों को, अन्न के दानों को नोटिस नहीं किया. और जब हम दादी को उनके उनकी सारी व्यवस्था करके उनकी डेड बॉडी को जब लेकर वहां से चल पड़े तो धीरे से सारे बिना शोर किए वहां से उड़ गए. और शायद दादी के मृत्यु पर ये सारे स्पैरोज, ये सारे गौरैये शोक संतप्त थे, उन्हें खराब लग रहा था. दादी इस तरह हमारा साथ छोड़ के गई और जीवन भर की वो याद, जीवन भर का वो प्यार और जीवन भर का की वो मेमोरी वो हमें दे गई. और दस एन इमोशनल लेसन, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी goes to its end. And now I am going to end my lesson. I am going to finish my lesson. My lesson is also over. मैं सोचता हूँ, मुझे ये उम्मीद है कि यह lesson आपको पसंद आएगा और इस explanation से इस chapter को समझने में भी आपको मदद मिलेगी. Wishing you all the best.